एमएनटी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूले। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहे। मेरा नाम निर्देश सिंह है और देशभर में मुझे दीदी निर्देश सिंह के नाम से जानते हैं। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले महासभा की मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और यूपी मुरादाबाद मेरा रेजिडेंस है। देखिए, अच्छा लगता है समाज के लिए इतना बड़ा विज़न लेकर के बामसेफ काम कर रही है और देश भर में जो सामाजिक संगठन बने हुए हैं, जगह जगह काम कर रहे हैं, उन लोगों को सामूहिक रूप से एक जगह समन्वय समिति के रूप में काम करने के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया। बहुत अच्छी बात है क्योंकि समाज का दर्द है, संगठन है लेकिन संगठित नहीं है, तो उस विचारधारा को समझते हुए बामसेफ ने इस कार्यक्रम को रखा कि सभी लोग एकजुट होकर के समाज में काम करें और जिन जिन क्षेत्रों में हमारी अभी तक भागीदारी नहीं हुई है उनमें भागीदारी के लिए हम लोग जो है सब लोग एकजुट होकर के उसके लिए लड़ाई लड़े। शैला जी, किसी भी सामाजिक किसी भी क्रिया का ये नहीं होता है कि इतना परसेंट मिलेगा ही। सामाजिक कार्यक्रम सदियों से होते आ रहे हैं और सदियों से इतने महापुरुष हमारे हुए हैं, आए और चले गए, काम करते रहे, जीवन गुजार दिया। आज हमारे घरों में दीवारें भी छोटी पड़ जाएंगी उनकी तस्वीरें अगर हम सबकी ढूंढ ढूंढ कर लगाएं तो सामाजिक जो परिवर्तन है इसकी जो गति है बहुत स्लो है। इसमें शैला जी, आप जैसे, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को काम करने की ज़रूरत है और तब जा कर के कहीं कुछ रिजल्ट निकलते हैं। तो किसी भी मीटिंग का कोई ये नहीं होता कि आज के आज ही रिजल्ट आ जाता है। हाँ, एक विचारधारा इससे हम लोगों के अंदर ये आया कि हम भाईचारा हमारा बढ़ा, एक दूसरे के प्रति निष्ठा, एक दूसरे के प्रति विश्वास कि हम आगे कहीं भी एक दूसरे को साथ दे सकते हैं, और एक ऐसी बड़ी विचारधारा सब तक पहुँच गई कि जो वामसेफ चाहता है कि हम लोग करें, अब वो सारे संगठन उसी बात को जा करके जब कहेंगे तो उससे इफेक्ट पड़ेगा कि एक आइडियोलॉजी सबकी समान हो जाएगी। तो सोशली यही होता है, जब भी कभी कार्यक्रम है मैं तो सफल कहूँगी कि इतने सारे लोग, इतने संगठन एक साथ बैठ रहे हैं, ये बड़ी बात है। मैं तो मूल निवासी बहुजन लोगों को संदेश यही देना चाहूँगी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो जो नारा दिया है, इसमें हम लोगों को संगठित होना इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से देश की बड़ी ताकतें इस बहुजन समाज को, इस मूल निवासी समाज को, जो संख्या में ज़्यादा लोग हैं, जो इतनी बड़ी जमात है, उस पर कुछ परसेंट रत्ती भर लोग कब्जा करके बैठे, अगर इनसे छुटकारा चाहिए, इनसे पीछे छुड़ाना है, तो उसके लिए हमें सबको जो है एकजुट होकर के इन लोगों से लड़ना होगा, इस विचारधारा से लड़ना होगा जिस विचारधारा ने हमारी मूल निवासी विचारधारा को नष्ट करने का काम किया है। एमएनटी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूले। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।